तो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम TWL स्टॉक के बारे में। कौन सा स्टॉक है, अगर आपने पहली बार नाम सुना है तो कमेंट करके बताइएगा। और इस स्टॉक में ना पिछले काफी दिनों से जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है। अब इस अप ट्रेंड के पीछे की वजह क्या है और ये ट्रेंड कब तक चल सकता है, वही डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो इस स्टॉक से रिलेटेड एक जबरदस्त न्यूज है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती रहती है। और कम्युनिटी में डेली यहां पर मैं दो पोस्ट करता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर अभी आधे घंटे पहले मैंने एक पोस्ट किया, टाटा ग्रुप का कौन सा स्टॉक नेक्स्ट ईयर तक सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। जैसे मुझे लगता है टाटा पावर, तो टाटा पावर पर मैं अपना पोल ओपिनियन कर रहा हूं यहां पर क्लिक करके। और आप अगर आप इनमें से कोई स्टॉक नहीं, कोई और से स्टॉक है, तो आप अदर पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो डेली आपको दो यहां पर पोस्ट मिलती है, तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं पोल करके। अभी हम जिस स्टॉक की बात करें वो है TWL, टीटागढ़ वैगन लिमिटेड। ये स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे पर आपको मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, बट अगर आप यहां पर टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो भाई देखो स्टॉक में जबरदस्त तेजी है, अप ट्रेंड है। स्टॉक 332 तक पहुंच चुका है। हालांकि यहां पर एक छोटी सी हमें एक कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जिसके व्यापार पर हम यहां पर समझ सकते हैं एक डोजी टाइप बन रही है कि शायद स्टॉक में यहां पर थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, वो टेम्परेरी बेस की। अब स्टॉक में न्यूज क्या है, तो आप देख सकते हैं रेलवे का बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद इस कंपनी के शेयर बने रॉकेट। ये एक दिन की नहीं, ये कई दिनों से न्यूज चल रही है, ठीक है। क्या न्यूज है मैं आपके साथ पहले न्यूज शेयर कर देता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे। मैंने कहा ना, ये कई दिनों से चल रही है न्यूज, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज नहीं है, लेकिन स्टॉक में जो अप ट्रेंड है वो इसी न्यूज की वजह से है। रेलवे का बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद इस कंपनी के शेयर बने रॉकेट, निवेशकों में खरीदारी की मची होड़। कौन सी, टीटागढ़ वैगन्स को BHEL के साथ, उसके साथ में BHEL स्टॉक भी है, बट BHEL स्टॉक में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चलता है, ठीक है। तो उसके साथ जो है अगले 6 सालों में इंडियन रेलवे के 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेनों की सप्लाई के लिए 9,600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से टीटागढ़ स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिली है। ये जो हमें टेक्निकल चार्ट में कंटिन्यू अप ट्रेंड नजर आ रहा है वो सिर्फ इस न्यूज की वजह से। आप चाहे तो उसके बारे में डिटेल में भी देख सकते हैं, बट यहां पर आप देखेंगे ये तो दिखाया गया है वही, इतना वॉल्यूम आया है एक दिन में, इतनी तेजी है, एक दिन की तेजी की नहीं। अब देखो ये जो न्यूज है ना, ये अगले 6 साल तक आप देखेंगे तो ये 6 साल तक इंडियन रेलवे के 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेनों की सप्लाई के लिए 9,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मतलब अगले 6 साल के लिए तो उसके पास काम है। यही नहीं, 35 साल के लिए सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर भी दिया गया है। अगले 35 सालों तक कंपनी के पास काम है। अब अदर किसी और कंपनी से या कहीं से भी इसको काम मिलेगा वो अलग चीज है, लेकिन 6 सालों के लिए स्लीपर ये बनाने पड़ेंगे इनको क्लास, और उसके अलावा 35 साल के लिए मेंटेनेंस का काम। समझ जाओ आप कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये आदेश टैक्स और शुल्कों को छोड़कर 120 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक 80 ट्रेनों की आपूर्ति के लिए है। अब बाकी इसमें यहां पर बताया गया है 2 महीने में 58% उछला शेयर, ये सब चीजें वो डिस्कस नहीं करूंगा मैं, लेकिन आप यहां पर यह चीज देख लीजिएगा 35 साल तक। अब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी बहुत यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो इस स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं। बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये अगले 35 सालों तक जो काम मिला है उसके ब्याह पर आप सोच समझ के इसमें पैसा लगाना चाहे लगा सकते हैं। बाकी मैं डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं इसकी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसकी फ्यूचर मॉडल, बिजनेस मॉडल और इसका फ्यूचर टारगेट क्या हो सकता है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ये जो अगले 35 सालों के लिए इसको काम मिला है, आपको क्या लगता है इस न्यूज के बेस पर स्टॉक पर और कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, और स्टॉक का प्राइस आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में कितना हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। सिर्फ आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं वही होगा या जो मैं कह रहा हूं वही होगा, सिर्फ ओपिनियन शेयर करना है तो आप ओपिनियन जरूर से शेयर करें। बाकी इस तरह की वीडियोज डेली बेसिस पर आपको इस चैनल पर मिलती है, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।